सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग आए हो, आप लोग बढ़िया हो गए ना? था कि भैया रहे। सो गाइस, अभी जस्ट मैंने एक टेक लिया है एक रील के ना, मतलब अभी मैं अजीब सा हूँ, मतलब नहाया नहीं ना, तो एक अच्छा सा एक शॉट ले रहा था, जैसे कि ट्रांसलेशन वाला होता ना, तो भी गंदा सा बना था। अब नहा धो के फिर वो शॉट ले लूँगा तो अच्छा सा बन जाएगा, तो वो ट्राई करेंगे। एंड अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, अजीत मामा सबको निकल चुके हैं, तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा। और बाकी तो बस अभी चलो सबसे पहले नहाते हैं, इसके बाद शॉट लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो चलो सबसे पहले नहाते हैं। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ चुका हूँ, सामने अभी हीटर ऑन कर लिया मैंने, खाना आ चुका है खाने में। आज टमाटर आलू है ना मम्मी? टमाटर आलू और पराठे दो, तो ये खा रहा हूँ अभी मैं। खाने के बाद अपना जो रील का वो शॉट है वो कंप्लीट करके और फिर आगे देखते हैं जो भी करेंगे। सो गाइस, अभी मम्मी ने मेरे को ऊपर भेज दिया है, बट इधर से बहुत ज़्यादा ही धूप आ रही है। रुको, ओके। हाँ, सो मम्मी ने भी ऊपर भेज दिया है और लास्ट शॉट मेरे को लेने नहीं दिया मम्मी ने रील के लिए, कहा कि अभी सबसे पहले पोछा लगाऊंगी, सब करूंगी, तब तुम जो करना, तो अभी ऊपर बैठो, धूप लो, और जब काम हो जाएगा मम्मी का तब नीचे आना। तो ये कहा मम्मी ने, तो चलो अभी बैठते हैं बस नीचे। नीचे कह रहा हूँ, अब बैठते हैं ऊपर और बस धूप लेते हैं, और क्या कर सकते हैं अभी। और मोबाइल में तो अच्छी से बैटरी, तो मस्त शॉट ले लेंगे। देखो तैयार भी हो गया प्रॉपर, बाल बाल सेट, आज का लुक यही वाला नॉर्मल मेरा, तो चलो बैठते हैं। तो गाइस, अभी लास्ट शॉट भी तो था, वो ले लिया यहाँ पे, देखो रिंग लाइट से मस्त यहाँ पे शॉट आया। देखो विदाउट फिल्टर भी, मतलब कैमरे में प्रॉपर है तब इतना अच्छा रहा, फिल्टर के साथ लेना मस्त आया। एंड गाइस, क्या हो गया, क्या था ये? सो गाइस, वो शॉट तो हमने ले लिए, बट ऊपर से दो रील और बना ली मजे मजे में ही। एक तो ऐसी लिपसिंग की थी और एक और ऐसी ट्रांसलेशन वाली, मस्त बनी है। तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जब तक ये ब्लॉग आ रहा होगा तब तक मैंने अपलोड कर दी होंगी दो वीडियो, एक मैं कल करूँगा, दो पहले ही। तो यही थी, मैं शायद से अपना भी अकाउंट बनाऊंगी, तो मेरे को भी फॉलो कर लेना, थैंक यू। अब पता क्या, मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है बट मैं गलत चीज़ें नहीं दिखाता था, तो फॉलो नहीं। एक रील के चक्कर में दो रील, मतलब एक रील के चक्कर में चार रील बना ली, उनमें से दो पोस्ट कर दी हैं, एक और पोस्ट कर रहा था बट वो पोस्ट ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, और एक अभी रह गई तो वो कल करूँगा, और जो नहीं हुई ना अभी प्रॉब्लम आ रही उसको भी कल ही ट्राई करूँगा। तो दो आई हैं, दो बहुत अच्छी हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो भी कर लेना। गाइज, अच्छी रील बनाता हूँ, वीडियो तो अच्छी बनाता ही हूँ, ब्लॉग्स की और वो भी अच्छी बनाता हूँ, तो जाके फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे दिख जाएगा कैसे करना है, कर दो ऐसे ही। बस अभी हम लोग बना रहे हैं कॉफ़ी बना रहे हैं, यहाँ पे आ चुका है हमारा दूध, ये दूध इसमें गर्म की ओर रखा है ना, तो ये दूध लेंगे उसमें डालेंगे सलोनी, और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ खाने का मन होते ही रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं वॉलनट भी खा रहा हूँ, चलो कॉफ़ी बनाते हैं। सो गाइस, अगर किसी को भी पता नहीं कॉफ़ी कैसे बनती है तो मैं बता दूँ, अभी हमने लिया दूध और चीनी और इनको गर्म होने दे रहे हैं, फिर जैसे ऊपर लग जाएगा ना तुरंत हम बंद करके उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे, बस कुछ नहीं है, तीन स्टेप, दूध, चीनी और कॉफ़ी पाउडर, ख़त्म। तो यही से है, नॉर्मल है, सबसे ईजी है, तो बनने देते हैं, गर्म होने देते हैं और फिर कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। आजकल मेरे साथ क्या हो चुका है, मेरे को भूख सी लगती रहती है, बस कुछ ना कुछ खा लूँ, तो अभी वॉलनट खा रहा था, ठीक है, और अब बिस्किट ले लिए कॉफ़ी के साथ, एंजॉय करते हैं और उसके बाद अपना काम करेंगे। थोड़ी देर में बाद फिर हम वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे, आज मैं प्लान है 4 बजे वर्कआउट स्टार्ट करूँ, और जब तक कर सकूँ करता रहूँ। तो ये प्लान है, तो फिलहाल कॉफ़ी पीते हैं और फिर देखते हैं जो भी करेंगे। सो गाइस, ऊपर आ चुके हैं, 4:15 हो रहा है अभी टाइम, तो अब मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देख लो, मतलब 4 बजे का बोलता फिर भी 4:15 हो ही गया, मैं थोड़ा लेट हो ही जाता हूँ। इवन मेरे को तो लगता है कि सबके साथ ही होता होगा कि जितना टाइम होता है उस स्पेसिफिक टाइम वो सिलेक्ट करते हैं कि इस टाइम हम निकलेंगे या कुछ भी करेंगे, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। सो गाइस, डन विद द वर्कआउट। अभी गाइस 6 बज चुके हैं, मतलब कि 4:30 से लेके, नहीं नहीं 4:15 से लेके और जितने वो डेढ़ घंटा ऐसे कुछ हो गया। तो अभी मैंने वर्कआउट किया, मज़ा आ गया गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो वो भी अभी मैं रुका नहीं, सलोनी मोबाइल लेगी और उन्होंने कहा कि मम्मी बुला रही हैं, तो
तो अब चलो हो गया वर्कआउट, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना अभी तो 15-20 मिनट तो मैं कवर कर ही लेता है, एटलीस्ट 2 घंटे मैं अपना करता पूरा। तो ये सीन था, तो चलो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या सीन चल रहा है। एंड आज न्यू ईयर की पार्टी भी, पार्टी क्या यार, नॉर्मली करेंगे और कुछ नहीं है हमारा, ऐसा नहीं है हमारा, नॉर्मल ही रहेगा। बाकी देखो पापा एकदम से केक वेक ले हैं तो वो अलग सीन है, तो पता नहीं क्या। तो गाइस ये देखो इतना प्यारा सजा रखा है इन लोगों ने, मतलब ये न्यू ईयर की शायद पार्टी करेंगे। तो ये देखो मतलब पीछे से वो पर्दा सा लगा दिया और यहाँ से लाइट है, तो मस्त लग रहा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो सलोनी ने भी कहा कि मतलब अगर मतलब मेरा भी बर्थडे ऐसे कुछ हुआ उसका, तो कह रही थी मैं भी ऐसे कुछ सजा लूँगी, तो फोटो खींच के चली गई कॉपी करने के लिए। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, बस चलते हैं। सो गाइस आज तो आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी, रील, हमने एक और रील बना दी सलोनी और मैंने। तो अभी हमने जैसे कि आज ना कम से कम 5-6 रील बनाई, बट 5-6 नहीं मतलब 1-2-3-4-4-5 बनाई, ठीक है। उनमें से 2 मैंने अपलोड कर दी, एक की मैंने प्रॉब्लम बता रखी थी है ना, वो नहीं हो रही है, वो फिर मैंने हटाई थी, और फिर एक रह रही है और एक हमने अभी बनाई है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे, पता नहीं कभी भी देख रहे होगे, तो कल मैं अपलोड कर ही दूंगा, वो आप किसी भी टाइम पे करूँ वो अलग चीज़ है, बट आज 2 कर दिए हैं, तो अभी जाके देख लेना, फॉलो भी कर लेना गाइस। तो कैसी लगेगी, मस्त है ना? हाँ। तो 2 रील सही रहती हैं पर डे के हिसाब से, बढ़िया रहती है तो बढ़िया है। और गाइस बाकी सलोनी को भी मैं अभी मेंशन नहीं किया अभी की वीडियो में, पर जिसमें ये है उसमें इसको मेंशन कर दूँगा, तो इसको भी फॉलो कर लेना प्लीज। मैं भी अपनी रील्स डालूंगी, आप मेरे को कर लेना फॉलो। वो गाइस सलोनी ने बर्थडे पार्टी प्लान, बर्थडे पार्टी कह रहा हूँ, न्यू ईयर पार्टी प्लान की थी, तो उसमें भी खाना नहीं था, बट अब इसने मम्मी से बोला, तो मम्मी बहुत सारी चीज़ें बना रही है, मेरे को अभी कुछ नहीं पता, और उसका जो सामान है ना वो जो तो मौसी ला रही है, तो अब देखो क्या क्या बनेगा, मेरे को कुछ नहीं पता। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है अभी से ही, नहीं यही मत बताओ, सीधा दिखाएंगे। अभी फिलहाल हमने मीठी चटनी बनाई है। हाँ बस इतना, और कुछ नहीं बनाया, और स्पाइसी वाली वो और कल ये कल वाली चटनी है जो हम खाएंगे रोल के साथ। तोते उड़ा गए थे हम लोग, ये तोते उड़ाने वाली चटनी बनी रखी है, आपको भी अपने तोते उड़ाने हैं, तो और ये हमने बनाई है मीठी चटनी, और इसमें मटर उबल रही है, चटनी में नहीं थी बट उसी में थी, मोमोज में मिर्ची काट के डाल दी थी ना, वो मिर्ची बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि मैं ज्यादा तीखा खा रही थी। सो गाइस अभी मैंने बैठे बैठे यहाँ पे अपनी वीडियो की एडिटिंग कर ली, बिकॉज गाइस रात को 12 बजे तक तो हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है, और गाइस नींद आती ही है यार, मतलब मेरे को तो आती है, बाकी को पता नहीं, तो मेरे को नींद आ जाएगी, तो मैंने सोचा अभी जब फ्री ही बैठा हूँ तो अपनी एडिटिंग कम्प्लीट कर लें, तो मैंने अभी एडिटिंग कम्प्लीट कर ली है, रात की भी कोई टेंशन नहीं है, बस अब से लेके जो रात तक का जितना भी रहेगा बस वो उतना सा एडिट करना होगा, तो अगर मेरे को ज़्यादा नींद नहीं आ रही होगी तो वो भी एडिट करके सो जाऊँगा, वरना सुबह कर लूँगा। तो ऐसे ही काम खत्म कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम हो, आपको लगे कि हो सकता है ना कर पाऊँ, बिकॉज गाइस सुबह का मेरे को डर रहता है यार कि क्या पता लेट उठ जाऊँ, है ना, तो यही चीज़ें रहती हैं, दैट्स व्हाई रिस्क नहीं लिया, काम किया। सो गाइस अभी रिचार्ज हो चुका है टीवी में, और वाओ जैसे बोला हाँ सेटअप खराब हो चुका है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, और मम्मी ने अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो पकौड़ी और ये फ्रेंच फ्राई भी बनाया है, गाइस टीवी से आ गई तो ये यहाँ फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पकौड़ियाँ नहीं खाते, तो 2 चीज़ें भी बनी है मम्मी, और चीज़ें बना रही हैं मम्मी, आज तो फील दे दी पार्टी वाली, आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, आज मैं यहीं खड़ी रहूँगी और बस सप्लाई करती रहूँगी, जैसे वे बेचारे हेल्प लगे रहते हैं माल सप्लाई होता रहता है और मैं खाता रहूँगा, जब तुम ऐसे बैठे बैठे खा रही हो, बस बैठे बैठे खा रहे हो, आप भी बैठे बैठे ही खा रहे हो, आप तुम तो पड़े पड़े खा रहे हो, हम तो बैठे ही है, वो बना रहे हैं, हम पड़े पड़े खा रहे हैं, और हमारे सब्सक्राइबर ललचा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गाइस ऊपर आ चुका हूँ, बिकॉज सलोनी ने कहा है कि ढंग से तैयार हो, तो मेरे को भी कपड़े चेंज करने हैं जो मैंने पहनते ना पहले, तो वहीं देखो ऐसे ही रखे सब, तो यहाँ रख दिए, तो इसको पहनते हैं और तैयार होते हैं पार्टी के लिए। वैसे तो कोई पार्टी नहीं है, बट फिर भी मम्मी ने काफ़ी चीज़ें बना दी खाने के लिए, तो एंजॉय करेंगे मस्त एकदम, रेडी फॉर द पार्टी। गाइस मैंने भी ऊपर आके भी देखो अपने बाल सेट कर लिए हैं सारे, सब लोग तैयार हो रहे हैं, सलोनी यहाँ पे तैयार हो रही है, जो तो मसी वहाँ पे तैयार हो रही हैं, सब लोग अभी तैयार ही हो रहे हैं, तो चलो होने दो अभी। तो फर्स्ट टर्न मेरी है, सेकंड अंजलि का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या है कल, रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है,
ये उसका डायलॉग है। कितने का इनाम रखा है हमारे ऊपर सरकार? 50,000। 50,000 ये हमारे ड्रेस भी वही है। तुम लोग मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग है, मैं पंद्रह मिनट तक सांस को रोक सकता हूँ, मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, मौत को यूं छूके टक से आ सकता हूँ। अजीत मामा, आप हमसे हमारी जान मांग देते, हम वो खुशी खुशी दे देते, और आपने तो हमसे हमारा गुरु भी छीन लिया। मुझे सच में करने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन मेरे पे ये उसका डायलॉग है, वो दीवानी मस्तानी ये वो बोलते प्रियंका। ठीक है, हाँ चलिए। Happy New Year to all of you. Love. Happy New Year, girls. Happy New Year. 2022 आ गया। 12 पक चुके हैं। ये बोलो 2022 सबके लिए बहुत अच्छा हो। सबके लिए अच्छा हो भाई 2022। सबके लिए बहुत अच्छा। मुन्ना के लिए। चलो बस अभी 1 बज चुके हैं एंड गाइस अभी भी मतलब सब लोग तो जग रहे हैं बट मेरी हालत ख़राब होगी। मैंने पकौड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा खा ली तो मेरे यहाँ पे दर्द होने लग गया पेट में, इधर साइड हो रहा है चेस्ट की साइड। तो मैं तो बाकी भी मम्मी ने टिक्की और मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है ना, मैंने मेरी किस्मत ख़राब है। मैंने वहाँ पहले सोचा ही नहीं कि वो है, बट मैं खाता गया और अब पेट भरा है तो क्या कर सकते हैं। सो एक और बार बोलूँगा गाइज, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आप सभी लोगों की विशेज है जो कुछ भी है पूरी हो एंड आप सब लोग हेल्दी रहो, ऐसे ही खुश रहो, और बस इस पैंडमिक सिचुएशन में आप सभी लोग सेफ रहें। जल्दी से जल्दी पैंडमिक सिचुएशन चली जाए गाइज, यही बोलूँगा, और बस ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहना। नेक्स्ट ईयर में मतलब 2023 जब आएगा तब तक कुछ ना कुछ तो मेरे हो ही जाए, ग्रो हो जाए थोड़ा सा, तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना। तो ब्लॉग को करते गाइस यहीं पे एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।